गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के स्रोत जो होते हैं, कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। यह है चैप्टर नंबर 14 हमारी साइंस बुक का। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्वड। Why then do we hear so much about the energy crisis if energy can neither be created nor destroyed? We should have no worries. We should be able to perform endless activities without thinking about energy resources. तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर पूछी गई है कि हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो ना ही बनाई जा सकती है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि हर बार हमें पता लगता है कि एनर्जी क्राइसिस के बारे में कि भाई शॉर्टेज होगी एनर्जी की, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्टेज हो रही है, एनर्जी का कमी हो गई है। तो अगर ये बात अप्लाई होती है क्या, नाइदर एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो फिर हम क्यों डरते हैं एनर्जी क्राइसिस से? तो फिर तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है और ना वो ख़त्म होगी और ना हम और बना सकते हैं, तो जो है हमारे पास उसका उपयोग हम बेधड़क कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या, इसके पीछे राज है। दिस रिडल कैन बी सॉल्व इफ वी रिकॉल व्हाट एल्स वी लर्नड अबाउट एनर्जी। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। फॉर एग्जांपल, इफ वी ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड मोस्टली टू साउंड एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। If we light a candle, the process is highly exothermic, so that the chemical energy in the wax is converted to heat energy and light energy on burning. What other things are obtained when we burn candle? अब इसका जो जवाब दिया जाएगा आपको कि energy can neither be created nor destroyed. Energy create नहीं हो सकती और destroy भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में example कुछ दिए, क्योंकि जैसे आप एक plate को एक height से फेंकेंगे, तो जब आप उस प्लेट को हाइट से ड्रॉप करोगे तो आप क्या पाओगे कि उसके अंदर जो, जब उसकी हाइट उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, और जो एनर्जी उसकी गति उसकी स्पीड की वजह से पैदा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लेट हाइट पे है, इसलिए जो एनर्जी उसके अंदर है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है प्लेट की वो बदल जाएगी किसके अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर, क्योंकि जब आप उस प्लेट को ऊपर से गिराओगे तो आप क्या पाओगे कि उस प्लेट के गिरने पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड आ रहा है, यानी कि उसके गिरने का, अगर वो किसी और मटेरियल से बनी हुई लाइट मटेरियल से टूट जाएगी और उसका टूटने का आवाज़ आएगा, अगर वो स्टील का है किसी मेटल का है तो वो गिरने पे आवाज़ करेगा। तो इस तरीके से हम क्या जान सकते हैं, हमें पता लगता है कि यहाँ पर इस केस के अंदर अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी साउंड एनर्जी के अंदर, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज हो गई। वहीं हम दूसरा एग्जांपल लें, अगर बात करें हम कैंडल की, तो कैंडल की बात जब की जाती है तो कैंडल जो है जब उसको जलाया जाता है तो वैक्स, आपको पता है कैंडल के अंदर वैक्स होती है, वैक्स मतलब मोम, इसीलिए उसको मोम बत्ती कहा जाता है। तो ये मोम जो है, मोम से क्या होता है, मोम को जब जलाते हैं हम तो इससे एनर्जी पैदा होती है। क्या एनर्जी पैदा होती है, एक तो हीट पैदा होती है, इनकी थोड़ी गर्मी भी पैदा होती है, और दूसरा इस केस के अंदर लाइट एनर्जी भी पैदा होती है। तो यहाँ पर वैक्स को जब आप जलाते हैं यानी कैंडल को, तो केमिकल एनर्जी जो वैक्स के अंदर है वो बदल जाती है हीट और लाइट एनर्जी के अंदर बर्निंग पे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि एक फॉर्म से दूसरे में चेंज होती है। तो हम यहाँ पर इतनी बात देख कर ये तो समझ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे में, जब उसको हम जलाते हैं या फिर व्हाटएवर जो करते हैं, तो उस समय वो एक फॉर्म से दूसरे में बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर प्लेट के गिरने से पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल गई, कैंडल के जलने पे केमिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में बदल गई। तो इस प्रकार से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेंस द सेम, बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन, वी समहाउ पुट together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax. Let us consider another example. Suppose we take 100 ml water which has a temperature of 348 Kelvin and leave it in a room where the temperature is 298 K. What will happen? Is there any way of collecting all the heat lost to the environment and making the water hot once it has cooled down? In any example that we consider, we will see that energy in the usable form
is dissipated to surroundings in less usable forms. Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. तो इस चीज़ का जवाब देते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है. जो हमने देखा कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही हो सकती है, तो फिर क्यों ना हम जो हमने जो प्लेट गिराई थी ऊपर से, उसकी साउंड एनर्जी जो पैदा हुई थी, उस साउंड एनर्जी से फिर से हम उस प्लेट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें बदल दें उसको, या फिर वो कैंडल जो जलाई थी उस कैंडल को फिर जो एनर्जी थी उसके अंदर, कौन सी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, उन दोनों को फिर से मिला के हम वैक्स बना दें, ऐसा हो सकता है क्या? कैंडल के जलने के बाद दोबारा वैक्स बन सकती है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं बन सकती है. और अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पर एक और दिया गया है, जैसे कि एक जगह पर आप एक रूम के अंदर पानी रखें और गर्म पानी था, उस गर्म पानी, आप देखिए यहाँ पर पानी का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, तो गर्म पानी था, उस गर्म पानी को जब हम रखेंगे उसके बाद थोड़े समय के बाद हम क्या पाएंगे कि धीरे धीरे वो पानी ठंडा हो रहा है, उसकी जो पानी की जो गर्मी है वो धीरे धीरे कम हो रही है. अब वो पानी की गर्मी जो कम हो रही है वो कहाँ गई? वो होगी तो उस रूम के अंदर ही, उसी जगह पर सराउंडिंग में ही कहीं लूज़ हुई होगी. तो क्या हम उस लॉस्ट एनर्जी को फिर से इकट्ठा करके उस वाटर में डाल के उसको फिर से गर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो इस चीज़ से हमको, इस एग्जांपल से ये पता लगता है कि एनर्जी जो है वो जब उसको एक फॉर्म से वो दूसरे में चेंज होती है, वो यूजेबल फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो दूसरी फॉर्म्स में यानी कि सराउंडिंग में लूज हो जाती है, यानी कि सराउंडिंग में लॉस हो जाती है, चली जाती है, तो वो लेस यूजेबल फॉर्म में बदल जाती है. कौन सी फॉर्म में? लेस यूजेबल फॉर्म. कैसे? यहाँ पर आपने देखा कि जो हीट वाटर के अंदर जो हीट थी वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो गई, चली गई, और उस जो वाटर ने जो हीट लूज़ की है एनवायरनमेंट के अंदर, उस हीट को हम कहीं भी उपयोग नहीं कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है जिसको हम उपयोग में लेते हैं, कोई भी एनर्जी का सोर्स जिसको हम उपयोग में लेते हैं, काम करने के बाद जब हम उसका उपयोग कर लेते हैं उसके बाद उसकी एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाती है और उसको दोबारा से हम यूज़ करने के लायक नहीं रहते हैं. उसका रीज़न एग्जांपल यहाँ पर जो आपको दोनों दिए गए कि जब आपने उस वाटर को, पानी का जो बर्तन था, जब उसमें से हीट जो है वो चारों तरफ लॉस्ट यानी कि यहाँ से चली गई है, अब इस हीट को आप फिर से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो हीट है ये आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी. ठीक है, हाँ, जब तक वो पानी के अंदर है वो हीट, तो मे बी उस हॉट वाटर से आप नहा सकते हैं, आपको अगर नहाने में यूज़ करना है, कपड़े धोने, यानी कि उसको, उसकी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हैं, लेकिन वही जब एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी तो इससे ये नहीं है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसलिए जो एनर्जी है जब वो लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो किसी भी काम की नहीं रहती है. तो इसीलिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, उसको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने उसको यूज़ किया तो वो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे में तो बदलती है, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में जो बदलती है वो हमारे किसी भी काम की नहीं रहती है. इसीलिए हमें एनर्जी को बचा कर रखना पड़ता है, इसीलिए एनर्जी क्राइसिस होता है. नाउ व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? अब एक अच्छा सोर्स एनर्जी का हम किसको कहेंगे? In our daily lives, we use energy from various sources for doing work. We use diesel to run our trains, we use electricity to light our street lamps. We use energy in our muscles to cycle to school. यानी कि जो भी एनर्जी है, आप देखिए, आप ट्रेनें चलती हैं, आपकी गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल डीजल से, फिर घरों के अंदर लाइट्स जो हैं और बाहर खंभों पे लाइट्स जो हैं वो सब जलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, आपके घरों में टेलीविज़न, रेडियो, ये सब चीज़ें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. इसके साथ साथ आप जब स्कूल जाते हो साइकिल पे, तो साइकिल चलाने में जो आपका मस्कुलर एनर्जी है उसका उपयोग होता है. द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड और रनिंग अ व्हीकल, ऑल कम फ्रॉम सम सोर्स. वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर टर्निंग द एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म. अब ये जो एनर्जी, हमने कितनी एनर्जी इसके बारे में बात की जब दो दिन पीछे, ये सब एनर्जी जो है किसी ना किसी सोर्स से तो हमको मिलती होगी ना भाई. आपके मसल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या आप हमेशा ही उसी प्रकार से काम कर सकते हैं? क्या आप कंटिन्यू साइकिल यहाँ से मुंबई तक चला कर जा सकते हैं? नहीं, हमें बीच में रुकना भी पड़ेगा, बीच में एनर्जी भी गेन करनी पड़ेगी. हम थोड़ी देर दौड़ते हैं तो हम थक जाते हैं, हम स्कूल से जब आते हैं तो वी फील टायर्ड, तो हमें कुछ गैप चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए. रेस्ट के साथ साथ हमें दोबारा अपनी मस्कुलर एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए कुछ और भी चाहिए जिससे हमको एनर्जी मिले, वो एनर्जी फिर से मिले. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं. तो ऐसे ही सोर्सेज होते हैं एनर्जी के
जो एनर्जी को फिर से हमें देते हैं, या फिर पर्टिकुलर लेवल पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाया जाता है, वो सब कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज अबाउट वी कैन सी दैट द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल वी सेलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड्स ऑन मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। अब हम जो सोर्स यूज करते हैं वो बहुत ही सोच समझकर चूज़ किया जाता है, और इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। जब आप फ्यूल को सिलेक्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास जिनका जवाब आपको एक सही तरीके से मिलना चाहिए, तभी आप उस फ्यूल को चूज़ कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, कि बर्न करने पे उसको जब जलाया जाएगा तो कितनी हीट रिलीज़ की जाएगी। ये पहला क्वेश्चन रहता है कि आप जिस भी फ्यूल को सिलेक्ट कर रहे हो उस फ्यूल को जलाने पे हीट कितनी निकलेगी। अगर आप इतनी फ्यूल को जलाने पे 100 किलो कैलोरी या 100 मिलीग्राम फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा फ्यूल जो है जो इतनी मात्रा में जलाने पे आप 100 कर रहे हैं, तो दोनों में से बेटर कौन सा हुआ? ऑब्वियसली दिस वन इज़ बेटर। क्यों बेटर हुआ? क्योंकि ये कम जलाने पे हमको इतनी एनर्जी दे रहा है, जबकि ये ज़्यादा जलाने पे इतनी एनर्जी दे रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि ये फ्यूल आपको इतना लेना पड़ेगा तब आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन ये फ्यूल इतना सारा लेना पड़ेगा तब आपको इतनी एनर्जी है। तो ऑब्वियसली जो पैसा है यहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो पहली यहाँ पर बात रहेगी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको जलाने में। दूसरा, डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, क्या वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे घरों के अंदर अगर बात करें, लकड़ी जलाई जाती थी पहले खाना वाना बनाने के लिए, आजकल हम गैस LPG का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी से इतना धुआं प्रोड्यूस होता है कि उसके धुएं से आप उस समय जब खाना बन रहा है वहाँ आंगन में बैठना आपके लिए दूभर हो जाएगा। और मे बी कभी कभी हम लोग जब आजकल की बात भी करें तो हम लोग ग्राउंड में जैसे सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं, कुछ बच्चे शाम को दौड़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो उस समय उस ग्राउंड के आजू बाजू में कुछ झोपड़पट्टी होती है, झोपड़ी वाले लोग रहते हैं जहाँ पर वो खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, किसका, चूल्हों का। तो चूल्हों पर जब वो लकड़ी जलाते हैं, अब सुबह सुबह जब आप ग्राउंड में दौड़ने गए हैं फ्रेश एयर की तलाश में, उस समय आपको वहाँ से धुआं आता हुआ दिखाई देता है और आप उसको इनहेल करते हो, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि हम फ्रेश ऑक्सीजन की तलाश में हम ग्राउंड में जाते हैं लेकिन उस समय हमें वो धुआं, तो धुआं बहुत ही मतलब ख़राब है हमारे लिए, इट्स नॉट गुड। तो फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस, स्मोक को जो प्रोड्यूस करता है वो कम मात्रा में करे या फिर बिल्कुल ना करे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा, इट्स अवेलेबिलिटी, कि अगर वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगा, अगर वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको लेना, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे। अब भाई आपके गांव के अंदर, खेतों के अंदर आपको लकड़ियाँ तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर गांव के अंदर आप बात करो सिलेंडर लेने जाने की, तो गांव में सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, वो लेने आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शहर सिटी में जाना पड़ता है। ऑब्वियसली देखा जाए तो आपके लिए एक बेटर फ्यूल क्या है, आप तो एक लकड़ी को ही बेटर फ्यूल मानोगे ना, क्योंकि आसानी से मिल जाता है। आप घर से खेत में गए, एक बार में अपनी बैलगाड़ी भर के ले आए, बाद में 10-15 दिन महीना भर आपका निकल गया बढ़िया से, तो आपके लिए ईजी वे में मिलने वाला फ्यूल यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, जबकि सिटी से आपको LPG लाना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो दिस विल बी द ईजिली अवेलेबल फ्यूल, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि प्रोड्यूस करेगा स्मोक को, और ये ज़्यादा जलाने पे भी कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कम हीट प्रोड्यूस करेगा। अब हम कंपेयर करके देखते हैं दो सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ के अंदर, हम इन फ्यूल्स को कैसे हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दो फ्यूल्स की, यहाँ पर हमारा वुड एंड हेयर इज LPG यानी कि गैस, ठीक है। अब आप देखिए तीनों क्राइटेरिया, इनमें से LPG जो है वो पहले मापदंड पे खरी उतरती है कि वो कम जलने पे भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, यानी कि एक सिलेंडर जो है आपके कई दिनों तक चल सकता है। तो पहला क्राइटेरिया यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ये इसमें फेल हो जाती है, ये ज़्यादा जलानी पड़ेगी और फिर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। दूसरा, स्मोक की बात करें, दिस सेटिस्फाइज, ये उसको भी सेटिस्फाई करता है, LPG जलाने पे स्मोक होता ही नहीं है लेकिन वुड जलाने पे स्मोक होता है, तो यहाँ भी ये रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा, अवेलेबिलिटी की बात करें, शहरों की बात करें तो लकड़ी भाई बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन LPG शहरों के अंदर आसानी से मिल जाती है, तो तीसरा क्राइटेरिया भी यहाँ पर परफेक्टली बैठता है, तो LPG वुड बी ए बेटर फ्यूल देन वुड। कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रिलेवेंट क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट अ फ्यूल,
given the range of fuels we have today, what are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like cooking our food? Would the fuel selected also depends on the work to be done? For example, would we use one fuel for cooking and another for heating the room in winter? We could then say that a good source of energy would be one which would do a large amount of work per unit volume or mass, be easily accessible, be easy to store and transport, and perhaps most importantly be economical. अब अगर हम बात करें, अब यहाँ पर इन्होंने जो बताया है वो सिंपल ये बताया है कि एक रूम है आपका, उस रूम को आपको गर्म करना है ठंडी के दिनों में. जब चलिए भारत में तो इतनी ज़्यादा ठंड, खैर हम बात कर सकते हैं गुजरात में तो नहीं होती है, बाकी पार्ट्स में तो वो भी काफ़ी रहती है, लेकिन ठंडे प्रदेश जो रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, माइनस में रहता है टेम्परेचर, जैसे कैनेडा हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इन प्रदेशों में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि रूम को गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट, यानी कि बाहर इतनी माइनस में टेम्परेचर है तो अंदर ज़्यादा गर्मी पाने के लिए यहाँ पर हीटर्स का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर एक गुड सोर्स किसको कहेंगे? अब यहाँ पर आप LPG जलाओगे तो क्या पूरे घर को, रूम को गर्म करें? आप अपनी गैस जो है खाना बनाने वाली, इस गैस को जलाओगे तो आपका रूम गर्म हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, जिससे आपको बहुत एनर्जी मिले? नहीं. तो इसमें लोग क्या यूज़ करते हैं? रूम हीटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल रूम हीटर्स जो क्या करते हैं, या फिर सोलर हीटर्स आते हैं जो कि आसानी से रूम को गर्म करते हैं. तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात आती है कि LPG जो है वो पूरे रूम को जल्दी गर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका काम गर्म करना नहीं है, वो हीट भी दे रही है और लाइट भी दे रही है. लेकिन हीटर जो है वो पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए बना है और वो जल्दी पूरे रूम को गर्म कर देगा. तो यहाँ पर हीटर जो है वो हमें इजीली, मतलब पहला पॉइंट जो है वो हीटर पे अप्लाई होगा. दूसरा, बी इजीली एक्सेसिबल. अब यहाँ पर LPG जो है वो आसानी से मिलेगी आपको या हीटर, यहाँ पर हम बात करें दोनों ही इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन LPG जो है उसको आपको एक पर्टिकुलर, जैसे कि भारत में बात करें, वी ऑलवेज गेट 9 सिलेंडर्स ईयर या फिर 12 सिलेंडर्स ईयर, उससे ज़्यादा नहीं. लेकिन अगर आप उस सिलेंडर को हर एक पर्पज़ में यूज़ करेंगे तो आपका एक साल निकलना मुश्किल हो जाएगा, और जब आप अपनी लिमिट से ज़्यादा उसको यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, फिर आपको एक्स्ट्रा सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे. कुछ समय पहले तक जैसे भारत सरकार ने तय किया था कि साल के अंदर एक व्यक्ति को 9 ही सिलेंडर मिलेंगे एक घर के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर 9, मतलब कम से कम आपका एक सिलेंडर 1.5 मंथ चलना चाहिए, फिर आपका साल निकलेगा. अगर आपका एक सिलेंडर एक महीना चलता है तो 9 महीने इसके हुए, तो बाकी 3 महीने के लिए आपको सिलेंडर जो है उसकी कीमत ज़्यादा देकर खरीदना पड़ेगा. लेकिन हीटर की बात करें, अब हीटर जो है वो तो मार्केट से आप कोई भी अप्लायंसेज वाली शॉप से जाके खरीद सकते हैं, और उस पर बस खर्चा क्या आएगा, बिजली का खर्चा आएगा. लेकिन ये इजीली एक्सेसिबल तो है, यानी कि हर एक व्यक्ति इसको खरीद सकता है, यस. तो यहाँ पर भी ये पॉइंट ठीक बैठता है हमारा. तीसरा पॉइंट जो है वो है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें. अब इसकी बात करें, LPG सिलेंडर की आप इसको स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी मुश्किल से ले जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा रहता है, भारी रहता है, उसके बाद आपको स्टोव भी चाहिए उसका. लेकिन हीटर की बात करें, उसके अलग अलग साइजेस में आता है, छोटा भी होता होगा, फिर उससे बड़ा, मीडियम साइज़ भी होता होगा, फिर उससे बड़ा भी होता होगा, और इसको एक्सेस करना ईजी है, और इसको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो, ठीक है. तो ये आपकी जगह कंज्यूम कम करेगा, तो तीसरा पॉइंट भी एक खरा उतरता है इस पर. फोर्थ पॉइंट जो है इकोनॉमिकल. अब इकोनॉमिकल केस की बात की जाए, LPG सिलेंडर्स की बात करें, एक्चुअल में इकोनॉमिकल ये है, ठीक है. एक्चुअली में देखा जाए तो LPG जो है वो इकोनॉमिकल है, और हीटर जो है इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि बिजली काफ़ी महंगी पड़ती है हमको, तो बिजली से जलाना काफ़ी मुश्किल पड़ता है. हाँ, अगर हम हीटर जो है वो सोलर हो तो वो बेस्ट रहेगा. बाकी ये जो इकोनॉमिक वाली बात की, आप एक सिलेंडर का लगभग 800 रुपये महीने खर्च कर सकते हैं, और वो आपका लगभग 1 से 1.5 महीना आपके घर पे चलता है. लेकिन अगर आप हीटर की बात करें, अगर आप रेगुलर हीटर जलाते हैं तो बिजली का बिल हज़ारों में बढ़ सकता है. तो अगर एक महीने का आपका बिल 1000 रुपये भी बढ़ता है तो दिस इज़ मोर देन दिस. लेकिन बाकी पॉइंट्स की वजह से यहाँ पर हम हीटर को प्रेफर करेंगे. सो ये है आइडियल फ्यूल अकॉर्डिंग टू अदर सिचुएशन. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें पहला पार्ट हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में. इन एंशियंट टाइम्स वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेज? द एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी
made the industrial revolution possible. Increasing industrialization has led to a better quality of life all over the world. It has also caused the global demand for energy to grow at a tremendous rate. The growing demand for energy was largely met by the fossil fuels, coal and petroleum. Our technologies were also developed for using these energy sources, but these fuels were formed over millions of years ago and there are only limited reserves. The fossil fuels are non-renewable, so we need to conserve them. If we were to continue consuming these sources at such alarming rates, we would soon run out of energy. In order to avoid this, alternate sources of energy were explored, but we continue to be largely dependent on fossil fuels for most of our energy requirements. Burning fossil fuels has other disadvantages too. We learned in class 9th about the air pollution caused by burning fuels like coal or petroleum products. The oxides of carbon, nitrogen and sulfur that are released on burning fossil fuels are acidic oxides. These lead to acid rain, which affects our water and soil resources. In addition to the problem of air pollution, recall the greenhouse effect of gases like carbon dioxide. Now here it is explained about the fossil fuels. Fossil fuels kya hote hain? Fossil fuels bante kaise? जो पेड़ पौधे, जो पशु पक्षियों की डेड बॉडीज रहती हैं, जो कि पृथ्वी के नीचे दब जाती हैं धरती के अंदर बहुत साल पहले, यानी कि बड़ी उथल पुथल होती है धरती के अंदर, जैसे कि कोई मीटराइट आकर टकरा गया धरती से, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी बहुत बड़ा वोल्केन एरप्शन हो गया, तो ऐसे केसेस के अंदर तो धरती के नीचे बहुत सारे जो ये पेड़ पौधे दब जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो 9th में आप पढ़ चुके हैं कि जिस जगह पर आज हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, उस जगह पर एक समय पहले वहां पर क्या था, टेथिस सी, टेथिस नामक सी, यानी कि एक सागर था जिसको हम टेथिस सी कहते थे। तो सागर जो था वो एक समय पहले, यानी कि काफी सालों पहले, वो उस जगह पर था जहां पर आज हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो ऐसी क्या बड़ी घटना हुई होगी कि वो जो सागर था, वो जो सी था, वहां से हट गया और वहां पर बड़े बड़े पहाड़, दुनिया की सबसे पहाड़ी ऊंची पहाड़ी छोटी वहां पर पहाड़ी श्रृंखला वहां पर खड़ी हो गई। तो ऐसी उथल पुथल कभी कभी होती रहती है। तो इसी कारण से जो पेड़ पौधे हैं बड़े लार्ज एरिया पे होते हैं जो नीचे दब जाते हैं, और धरती के अंदर दबने के बाद, धरती के अंदर आपको पता है जो पृथ्वी के अंदर जाएंगे हम कोर की तरफ, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बढ़ जाती है, अंदर लावा है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सब प्रेशर एंड हीट टेम्परेचर के कारण लाखों सालों के बाद ये जो प्लांट पार्ट्स हैं, एनिमल डेड बॉडीज हैं, ये सब मिलकर कोल और पेट्रोलियम बना देते हैं। क्या बन जाता है इससे, कोयला और पेट्रोलियम बन जाता है। तो ये है फॉसिल फ्यूल्स, जो कि बहुत ही लाखों साल लग जाते हैं जिसको बनने में। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ की बात करें, प्राचीन समय में बात करें तो सब लोग लकड़ी जलाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लकड़ी की जगह ले ली दूसरे फ्यूल्स ने भी, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया इसके अंदर कोल ने। तो कोयले के इन्वेंशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था खेती के क्षेत्र में, वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण कोयले की डिमांड बढ़ गई और इससे लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया, यानी कि जो हमारा जीवन है उसमें जो बदलाव आए हैं, जो ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जो गैजेट्स आप बैठकर यूज़ कर रहे हैं, ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उससे प्रोडक्शन बढ़ा है और लार्ज स्केल पे। इवन अब प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे लिए कितना मतलब काम आ रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी जो वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन हर महीने करोड़ों की संख्या में की जा रही है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होनी। अगर वो मशीनें ना होती तो फिर आप क्या हाथ से वैक्सीन बनाते, तो ये कितने साल लग जाते भारत को पूरे को वैक्सीनेट करने में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वैसे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी रहा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत एक हम कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल्स की जो इससे डिमांड बढ़ी है, उससे एक नुकसान भी हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनका उपयोग, मतलब जो गैजेट्स जितने भी बनाए जाने लगे, वो सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
पे बेस्ड ही रहे, यानी कि कोल के यूज़ में, क्योंकि जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो कोयले से चलने वाली चीज़ें बनने लगी, पेट्रोलियम से बनने वाली चीज़ें बनने लगी, तो जितनी भी चीज़ें नए गैजेट्स बनने लगे उन सब में पेट्रोलियम और कोल का यूज़ होने लगा। अब ज़्यादा उसका यूज़ होने लगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इनकी कमी भी होने लगी, और हम जानते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल नहीं है। तो ऐसे में अगर इनको इसी रेट पे यूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ ही समय के बाद हमारे पास ये जो है सब चीज़ें, खासकर पेट्रोल से बनी चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और इवन गैस जो है या फिर कोल है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप देख सकते हैं, पेट्रोलियम, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 100 रुपीज़ पर लीटर। तो इतना ज़्यादा दाम कैसे हो गया? वो बिकॉज ऑफ द डिमांड ओनली, डिमांड बहुत बड़ी है जिसके कारण इसका उपयोग बढ़ गया है, जिससे इसकी प्रोडक्शन पे काफ़ी लोड आया, और ये इतना ज़्यादा तो हमारे पास है ही नहीं कि हम हमेशा यूज़ करते रहें। तो इसका अल्टरनेट सोर्स करना, हमारे सोर्स जो है वो ढूंढना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, यानी कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स में उस पर डिपेंडेंट रह के हमेशा नहीं अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते। एक समय आएगा जब फॉसिल फ्यूल की हमें कटौती करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है, हम उसका अल्टरनेट सोर्स ढूंढ के रखें ताकि हम आने वाले समय में उसको छोड़कर दूसरी चीज़ों को भी यूज़ कर सकें। इसके बाद हमारा फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से कुछ समस्याएं भी खड़ी होती हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, इसलिए हमें इसका उपयोग कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरा, इसको जलाने से बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेज हैं वो पैदा होती है, एयर पोल्यूशन होता है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है। अब जब आप पेट्रोलियम, कोल प्रोडक्ट्स को जलाते हो तो उनको जलाने से कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, जो कि वातावरण में मिलकर एसिड रेन बनाते हैं, और ये एसिड रेन जो है ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है आपको पता है। एसिड रेन की वजह से ही जो ताजमहल था हमारा बीच में पीला पड़ने लगा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए, इवन हमारे लिए, हमारी सॉइल के लिए, वाटर के लिए, एसिड रेन बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल का उपयोग कम इसीलिए भी करना चाहिए क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, दूसरा इससे एयर पोल्यूशन होता है, और इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इससे होता है क्योंकि इसके अंदर गैसेज होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब कारणों से हमें इसका उपयोग धीरे धीरे जहाँ तक हो सके कम कर देना चाहिए। द पोल्यूशन कोज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन बी समवॉट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एफिशंसी ऑफ द कम्बशन प्रोसेस एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड एशेज इन टू द सराउंडिंग्स। पॉल्यूशन जो है फॉसिल फ्यूल के जलाने से कैसे होता है और इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो तो हमको पता है कि देखिए इसको जलाने से हार्मफुल गैसेज पैदा होती हैं, लेकिन इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं? इसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि पहले एफिशेंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस, कंबशन का मतलब होता है जलना, कोयला और या कोई भी चीज़ है वो तब स्मोक प्रोड्यूस करती है, तब वो धुआं प्रोड्यूस करती है, तब उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जब उसका कंप्लीट कम्बशन नहीं होता, जब वो पूरे तरीके से नहीं चलता है तब। आप जो अपनी कार, बाइक जो यूज़ करते हैं, आपने देखा हो कुछ बाइकों के साइलेंसर से बहुत सारा काला धुआं दिखाई देता है निकलता, कारों के अंदर से भी काला धुआं दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो फ्यूल का जो कम्बशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उस समय सर्विस की जाती है गाड़ी की और प्रॉपर फ्यूल कम्बशन होने के बाद वहाँ से धुआं काला निकलना बंद हो जाए। तो पहली बात हमें ये देखनी है कि कम्बशन की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, कि कम्बशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि पूरी वस्तु जो है, जो भी फ्यूल है, वो कम्प्लीटली जले, कम्प्लीट कम्बशन हो, और इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा, पहली चीज़ ये। दूसरा, हमें ये भी देखना है ऐसी ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करने, नई नई तकनीक, आपको पता है टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग स्लोली, काफ़ी डेवलप होती जा रही है टेक्निक्स, नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो ऐसे में हमें ऐसी टेक्निक्स को भी ढूंढना चाहिए जिससे रिड्यूस किया जा सके हार्मफुल गैसेस का एस्केप और एशेज, यानी कि कोयले को, राख जो होती है, कोयले को जलाने की जो राख बचती है वो भी काफ़ी आसमान में उड़कर चली जाती है। तो एशेज हो गई, यानी कि राख हो गई, फिर हार्मफुल गैसेज हो गई, ये सराउंडिंग में ना जाए या फिर कम से कम जाए, इसके लिए हमें कोई ना कोई टेक्निक डेवलप करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम मतलब कोल और पेट्रोलियम के यूज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। बिसाइड्स बींग यूज डिरेक्टली फॉर वेरियस पर्पज इन गैस स्टोव एंड व्हीकल्स, डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आर ओन स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड सी वॉट गोज ऑन प्रोड्यूसिंग आर फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये तो चीज़ें हमने देखी कि फॉसिल फ्यूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आपकी गाड़ी में होता है, घर में गैस स्टोव के अंदर किया जाता है एक्सेट्रा।
लेकिन इसके बावजूद इसका उपयोग एक और मेजर फ्यूल के तौर पे, इसका मेजर जगह पे यूज़ होता है, वो कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और फ्यूल जो है जैसे कि पेट्रोलियम, उससे भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है जिसमें आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो सेटअप आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर क्या है, एक कुकर लेना है आपको, प्रेशर कुकर आपके घर पे होगा, या ये आपको परफॉर्म खुद नहीं करना है घर पे, जस्ट हम एक बार रीड कर लेते हैं इसको। अब नीचे से इसको हीट दी जाएगी, यानी कि इस कुकर को आप स्टोव पे रख दीजिए, गैस स्टोव पे रख दीजिए, और इसका जो अपर पार्ट रहता है इसमें आप एक पाइप कनेक्ट कर दीजिए, जो छोटी सीटी रहती है उस सीटी को निकाल दीजिए, और उस विसल सीटी की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, एक स्टीम की पाइप, पाइप ऐसे पुट कर दीजिए जो उसके ऊपर अच्छे से फिट हो जाए। और यहाँ पर एक आपको फिट क्या करना है, ये देखिए, टेनिस बॉल फिटेड विद मेटल शीट। यहाँ पर ये टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल के ऊपर आप ऐसे मेटल की शीट फिट करनी है आपको, ताकि जो ये स्टीम इस पर गिरे तो ये ऐसे घूमने लगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका डायनमो, इसके घूमने से डायनमो मूव करेगा और यहाँ पर आपका बल्ब चलने लगेगा, बल्ब जो है इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा इसके। तो ये एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको, अब इसको हम रीड करके भी देख लेते हैं कैसा है ये। दिस इज़ अ टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। द सिंपलेस्ट टर्बाइन हैव वन मूविंग पार्ट, अ रोटर ब्लेड असेंबली। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड्स टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन, द रोटर ब्लेड विद स्पीड विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ द डायनमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम necessity in today's scenario, the various ways in which this can be done depends upon availability of the resources. We will see how various sources of energy can be harnessed to run the turbine and generate electricity in the following sections. अब यहाँ पर होता क्या, आपको जैसे मैंने बता ही दिया है कि पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ भी यही किया जाता है, जैसे हीट यहाँ पर जनरेट की जा रही है, जो हीट से जो गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस होगी, जब वो प्रेशर से इस टर्बाइन के ऊपर गिरेगी तो ये टर्बाइन जो है वो मूव करने लगेगी। टर्बाइन के मूवमेंट से ही डायनमो की जो मोटर है मूव करेगी, और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होगी। और आपको पता कैसे लगेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये आपको पता लगेगा जब यहाँ पर आप बल्ब कनेक्ट करोगे, वो बल्ब जलने लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लोग देखते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्नड एवरी डे इन आर पावर स्टेशन टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशियंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। Therefore, many thermal plants are set up near coal or oil fields. The term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy. अब यहाँ पर जो बात की गई है थर्मल पावर प्लांट की, वो ये है अब बहुत सारी ऐसी जगह आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम की बात करें। अब पेट्रोल को आप जानते हैं कि आप टैंकर्स के अंदर आपने देखा होगा बहुत बार, ट्रक के साथ जो टैंकर रहते हैं उस टैंकर के अंदर बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि ट्रक के द्वारा उस पूरे टैंकर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इट इज़ फ्यूल, यानी कि पेट्रोल होता है इसके अंदर, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, व्हाटएवर। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि आपको देखा होगा कि जब ये जा रहा होता है तो उसके पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, कीप डिस्टेंस एट्सेट्रा। तो कभी कभी अगर ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसको बड़ा मुश्किल। और आप देखो क्वांटिटी कितनी है, बहुत कम मात्रा में क्या है। दूसरा हम बात करें कोल, कोयला जो है वो बाय ट्रेन, आपने बड़ी बड़ी ट्रेन जो होती हैं उसको देखा होगा, कोयले से भरी हुई ट्रेन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन जो है, कोल और पेट्रोलियम का, लॉन्ग डिस्टेंस तक बड़ा मुश्किल और महंगा पड़ता है। तो ऐसे में सोचा गया है, इसके ऊपर काफ़ी विचार करके डिसाइड किया गया कि ऐसी जगह जहाँ पर कोल या फिर पेट्रोलियम आसानी से मिल जाता है, उन जगहों पे थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। यानी कि कोयला और पेट्रोल जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल रहता है,
इसलिए वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं जहाँ पर एनर्जी बिजली पैदा की जाती है। क्या पैदा की जाती है? बिजली। कैसे पैदा की जाती है? इस कोयले का उपयोग या पेट्रोलियम का पेट्रोल सोर्स जो प्रोडक्ट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है वाटर को गर्म करके स्टीम प्रोड्यूस करने में। अब उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी तो वो टरबाइन को मूव करेगी और टरबाइन को मूव करेगी तो उससे एनर्जी जनरेट होगी जैसे हमने पीछे जस्ट किया। और इस तरीके से जो बिजली पैदा होगी उस बिजली को आपको पता है कि एक जगह से बिजली को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो बहुत ही आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें इस तरीके का खंभों का सेटअप चाहिए, यानी कि खंभे अगर लगे हों तो दूर दराज इलाकों तक भी बिजली को पहुँचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ केबल्स। केबल्स की मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जो कि कैसे प्रोड्यूस हुई, बाय बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी पैदा हुई उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूर दराज इलाकों तक भी इस तरीके से पहुँचा सकते हैं, एंड इट इज़ टोटली सेफ ऑल्सो। तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में। अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट अ हाइट। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इंटू इलेक्ट्रिसिटी। सिंस देर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। इन द लास्ट सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ डैम्स वर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर 14.1। अ क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो बात की जाए अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स की तो वाटर के मूवमेंट के, अब देखिए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े डैम्स होते हैं, समझिए कि बहुत बड़ा यहाँ पर डैम बनाया गया, तो डैम के पीछे पूरा पानी है और जब इस डैम के दरवाजे को ऊपर से खोल दिया जाए तो पानी जो है बड़ी ही हाइट से गिरता है और बड़ी तेज़ी से गिरता है। इसमें कितनी एनर्जी होगी, कितनी फोर्स होगी आप समझ सकते हो। तो जब ये पानी जो है नीचे लगी टर्बाइन को ऐसे घुमाता है तो टर्बाइन जब इसके पानी के गिरने से घूमेगी फिर उससे डायनमो कनेक्टेड होगा और डायनमो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो ऊपर से गिर रहा है यानी कि यहाँ पर उसकी पोजीशन देखिए, आप पोजीशन की वजह से एनर्जी पैदा हो रही है। तो जब पोजीशन की वजह से एनर्जी पैदा होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर कुछ जगहों पे फ्लोइंग वाटर के कारण यानी कि पानी के बहने की जो एनर्जी होती है उसका उपयोग भी किया जाता है एज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी यानी कि उसकी स्पीड की वजह से जो होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो दोनों एनर्जीज के बारे में आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो पोजीशन की वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी मतलब जो स्पीड की वजह से होती है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप भारत के अंदर बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन वाटरफॉल्स जहाँ पर पानी ऊपर से नीचे गिरता है लेकिन वो पहाड़ी ऐसा दरदरा इलाका होता है कि वहाँ पर आप इस तरीके का सेटअप नहीं कर सकते हो कि एनर्जी पैदा की जा सके। तो इसलिए वाटरफॉल्स पे करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए डैम्स बनाए गए, बहुत सारे डैम्स बिल्डअप किए गए हैं, ना ही भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे डैम्स ऐसे बिल्डअप किए गए हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब बात की जाए अगर भारत की तो क्वार्टर ऑफ आर एनर्जी भारत में, एक क्वार्टर का मतलब 1/4, कि अगर भारत के अंदर समझो कि 100% एनर्जी यूज़ होती है उसका 25% जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट्स के द्वारा पैदा की गई एनर्जी से पूरा किया जाता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी कि वाटर से जो एनर्जी पैदा होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वाटर से, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जहाँ पर ये प्रोड्यूस की जाती है ऐसे प्लांट्स को हाइड्रो पावर प्लांट्स कहा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाय कलेक्ट वाटर इन लार्जर रिजर्वर्स। द वाटर लेवल राइजेज एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इन टू पोटेंशियल एनर्जी। द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरीड थ्रू पाइप्स टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। सिंस द वाटर इन द रिजर्वर वुड बी रिफिल्ड ईच टाइम इट रेन्स वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज गेटिंग यूज अप द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश वन डे। अब यहाँ पर आप देखिए ऐसा होता है कि ये देखिए रिजर्वर है यहाँ पर, यानी कि जो वाटर डैम बनाया गया समझो, और ये
पावर हाउस है, ये जनरेटर है, ये पावर लाइन्स है जहाँ से बिजली बाहर जाती है, यहाँ पर गेट लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्लुइस गेट्स। अब इस गेट को जब खोल दिया जाता है या फिर, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी जो है वो तेज़ी से बहता हुआ नीचे आता है और पानी के बहने से यहाँ पर जो टर्बाइन है वैसे मूव होती है, और पानी बहकर कहाँ जाता है, रिवर में जाता है। तो पानी भी वेस्ट नहीं हुआ, देखिए डैम से गया सीधा रिवर के अंदर। अब यहाँ पर जो टर्बाइन के मूवमेंट से इसके अंदर जो सेटअप किया गया है, जो डायनमो वगैरह लगाए गए हैं, जनरेटर जो है उससे ये जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी पैदा होगी और वो एनर्जी पावर हाउस में स्टोर कर ली जाएगी और वहाँ से इसको पावर लाइन्स यानी कि बिजली की तारों के द्वारा दूसरी जगहों में भेजी जाती है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि भी पानी का वेस्टेज होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि पानी सीधा रिवर में गया। और यहाँ पर हमें ये भी घबराने की जरूरत नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स की तरह ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पानी, जब ये पानी इसमें कम हो जाएगा तो रेन बारिश के कारण फिर से ही भर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कभी ख़त्म होगा, तो इट इज़ रिन्यूएबल वी कैन से। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स इज। अब देखिए कोई भी चीज़ है जिसके बेनिफिट्स होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, ऑब्वियसली नुकसान भी होते ही हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर। अब नुकसान की बात करें तो डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, कि हर जगह पर आप डैम्स नहीं बना सकते हैं। तो पहली बात, लिमिटेड प्लेसेस पे ही इसको बनाया जा सकता है, प्रेफरेबली इन हिली टेरेन्स। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सैक्रिफाइज्ड एज दे गेट सबमर्ज्ड। अब जब डैम बनाया जाता है तो उस समय बड़े बड़े एरियाज जो कि यानी कि खेती लायक ज़मीन हो सकती है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन, उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, यानी कि बड़े बड़े जो खेत हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं, बहुत बड़े हिस्से पे जहाँ पे लोग रहते हैं उनको स्थानांतरित करना पड़ता है, यानी कि उनको वहाँ से हटाना पड़ता है क्योंकि सब पानी के अंदर डूब जाते हैं। लार्ज इकोसिस्टम्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स। तो डैम जहाँ पर बनाया जाता है वहाँ पर जब डैम बनाया गया तो उसको बनाने के बाद जो बहुत लंबे चौड़े एरिया पे जो इकोसिस्टम था यानी कि जंगल और उसमें रहने वाले प्राणी, वो सब पानी के नीचे डूब जाते हैं जिससे वो ख़त्म हो जाते हैं, बड़े बड़े इकोसिस्टम बर्बाद हो जाते हैं। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज रॉट्स अंडर एनएरोबिक कंडीशंस एंड गिव्स राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज़ ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। अब जब इतनी सारी चीज़ें यानी कि वेजिटेशन, पेड़ पौधे जब ज़मीन में डूब जाएंगे पानी के अंदर, तो उनके सड़ने से, रॉट का मतलब है सड़ना, उनके सड़ने से, और यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन होगी। देखिए एरोबिक मतलब हवा के प्रेजेंस में सड़ना, तो वो पानी के अंदर चले गए तो पानी के अंदर ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती है पेड़ पौधों को, तो इसलिए ये एनएरोबिक कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जब वो रॉट सड़ेंगे तो इससे बहुत मात्रा में मीथेन नामक गैस पैदा होगी जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। तो ये दो चीज़ें हमने देखी, पहला हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, फिर हमने ये भी देखा कि एग्रीकल्चरल लैंड बर्बाद होता है, फिर हमने देखा कि वेजिटेशन जो है वो जो है यानी कि लार्ज इको सिस्टम जो उसके नीचे दब जाता है, बर्बाद हो जाता है, और वेजिटेशन जो ख़राब होती है एनएरोबिक कंडीशन की वजह से उसमें मीथेन गैस पैदा होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया है उनको दोबारा से बसाने की समस्या भी हमारे सामने रहती है, तो ये समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं। अपोजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ तिहरी डैम ऑन द गंगा रिवर एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द नर्मदा रिवर आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम। तो इसी कारण से कुछ ऐसी NGOs रहती हैं, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज रहती हैं जो कि ऐसी डैम्स को बनाने का विरोध करते रहते हैं, जिसमें एक हम बात करेंगे अभी तिहरी डैम की और दूसरा सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा पे बनाया गया। तो इनका विरोध किया गया था क्योंकि इनसे ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न होने वाली थी, इसीलिए इनको बनाने का विरोध किया गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वी मेंशनड अर्लियर दैट वुड हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ वी can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. You must also be familiar with the use of cow dung cakes as a fuel. Given the large livestock population in India, this can also assure us a steady source of fuel. Since these fuels are plant and animal products, the source of these fuels is said to be biomass. Ab biomass kise kaha jata hai? Now the word biomass, iska matlab hai
कि ऐसे फ्यूल के सोर्सेज जो कि हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर प्राचीन समय से, बहुत ही प्राचीन समय से फ्यूल के तौर पे लकड़ी का उपयोग किया जाता है, और साथ में हम लोग काव डंग का यूज़ करते हैं, यानी कि गोबर के उपले बोलते हैं जिसको हम, तो इसका भी उपयोग किया जाता है जलाने के लिए गाँव में। खासकर आपने देखा होगा शहरों में काव डंग केक्स जो हैं वो होली के समय जलाए जाते हैं। लोग अपनी अपनी सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी सारे गोबर के इस तरह के उपले लाकर जलाते हैं। अब इन दोनों की जो सप्लाई है उसको हम इंश्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम कंटिन्यूसली पेड़ लगाते रहें तो लकड़ी की शॉर्टेज नहीं होगी। वही काउडंग की बात करें तो जो प्राणी है, जो हमारे पास घरों में दूध का स्रोत जो है हमारे लिए गाय भैंसें, इनका जो गोबर है वो भी हमें हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि दूध के बिना तो हमारा चलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमेशा हमारे पास रहेंगी, अगर हम इसको काफ़ी समझदारी से इसको संभालते रहें तो। ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए हम इसको बायोमास कह सकते हैं। दीज फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग एंड अ लॉट ऑफ स्मोक इज गिवन आउट व्हेन दे आर बर्न। अब इनकी दो कुछ समस्याएं ये है कि इनके जलाने पे हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी कि ज़्यादा हमें गर्मी नहीं मिलती है, भले आप लकड़ी जलाइए भले आप काउडंग जलाइए, और हमें स्मोक भी बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि इसमें धुआं ज़्यादा उठता है और एनर्जी कम पैदा होती है, यानी कि इट्स नॉट एन आइडियल फ्यूल। देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसी खोज करें, कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाएं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे इन फ्यूल्स को जला के भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकें। वैन वुड इज बर्न इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड वॉलाटाइल मटीरियल्स प्रेजेंट इन इट कैन इट गेट रिमूव एंड चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड एज द रेजिड्यू। चारकोल बर्न इन टू फ्लेम्स, इज कंपेरेटिवली स्मोकलेस एंड हैज अ हायर हीट जनरेशन कैपेसिटी। लकड़ी को जब जलाया जाता है कब? ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई के अंदर। देखिए, ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई हो तो अलग बात है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की अगर हो और वुड को जलाया जाए, तो उस समय वुड जो है वो जलने के बाद पीछे छोड़ती है चारकोल, कोयला जिसको हम कह सकते हैं। तो चारकोल जो है, चारकोल को जब जलाया जाता है तो इससे स्मोक कम पैदा होती है और हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम बात करें हीट प्रोडक्शन की, यानी कि आइडियल फ्यूल कहेंगे जिसकी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और जो स्मोक कम पैदा करे, यानी कि स्मोक कम हो और हीट ज़्यादा हो, तो उसको एक अच्छा फ्यूल कहेंगे। लेकिन लकड़ी जो है उसमें हीट कम रहती है और स्मोक ज़्यादा रहता है, यानी कि उसका क्राइटेरिया हम देखें तो इस प्रकार रहता है ऊपर नीचे। तो इसलिए हम वुड को एक आइडियल फ्यूल नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके कुछ ऐसा सेटअप कर दें जिसमें चारकोल जैसी चीज़ें बनाकर, लकड़ी से चारकोल बनाया जाए और चारकोल जो है उसका हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है और स्मोक प्रोडक्शन कम है, तो एक अच्छा फ्यूल हमारे लिए साबित हो सकता है, जो कि प्रोडक्ट है वुड का ही। सिमिलरली काउडंग वेरियस प्लांट मटेरियल्स लाइक द रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर डीकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव बायोगैस। सिंस द स्टार्टिंग मटीरियल इज मेनली काउडंग, इट इज पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट एज शोन इन फिगर 14.4। अब आपको, आपने गोबर गैस के बारे में सुना ही होगा, बायोगैस भी कहा जाता है इसे। गोबर गैस और बायोगैस दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर एक सेटअप बताया गया कैसे यहाँ पर होता है इसका प्रोडक्शन। अब यहाँ पर पहले इस प्रोडक्शन के जो ये सेटअप है इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, यहाँ पर ये आप टैंक देख रहे हैं जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं, यानी कि टैंक है इस प्रकार का, और इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर सॉइल भरी जाती है, ये स्लरी है जो कि गोबर का जो मिक्सचर रहता है उसको यहाँ से डाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये गैस टैंक है और इसके अंदर ये सड़ता है, ऊपर से देखिए पूरा पैक है ये, और इसके सड़ने से, जो गोबर है उसके सड़ने से इसमें सब्जियों का एक्स्ट्रा जो छिलके रहते हैं, यानी कि घर का कोई भी कचरा है वो इसमें आप डाल सकते हो। तो इसको डालने से क्या होता है, इसमें काफ़ी समय के बाद ये सड़कर गैस पैदा करता है, यहाँ पर मीथेन गैस पैदा होती है CH4, जो कि एक अच्छा फ्यूल है। तो CH4 जो पैदा होती है मीथेन, उसको इस प्रकार से देखिए गैस आउटलेट रहता है, यहाँ से गैस जो है लाइन आपकी किचन में डायरेक्ट दे दी जाती है, तो किचन में आप खाना बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब ये आपका ऐसा लगे कि भी काफ़ी समय हो गया इसको और गैस खत्म हो गई इसके अंदर, फिर भर गया टैंक, तो उस समय आप इस टैंक का ढक्कन खोल के इसमें से जो कचरा है, यानी कि गंदगी जो है, यानी कि गोबर वगैरह, इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं और निकाल कर आप अपने खेत में फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा? पहला बेनिफिट ये कि, तो घर के बाहर, आपने गाँव में देखा घरों के बाहर ऐसे ढेर लगे होते हैं गोबरों के,
वो साफ सफाई आपको सामने मिलेगी, क्योंकि वो गोबर का ढेर जो घर के बाहर मच्छर मक्खियों का घर है वो वहाँ से हट जाएगा और वो घर साफ सुथरा रहेगा। और बदले में आपको गड्ढे के अंदर उस कचरे को, उस गोबर को डालते जाना है और उस कचरे के मतलब सफाई मिलेगी। दूसरा, इससे आपको गैस मिलेगी जिसका उपयोग आप डायरेक्ट अपने गैस किचन में कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, यहाँ पर पैसा भी नहीं लगेगा और स्मोक भी नहीं होगा और ईजी हो जाएगा हाउस वाइफ के लिए खाना वाना बनाना, साफ़ सफाई भी मिलेगी। इसके साथ एक और बेनिफिट इसका ये है, जब ये गड्ढा कम्प्लीटली भर जाए तो इसको आप दूसरी तरफ से आउटलेट के द्वारा इस गोबर को निकाल कर खेतों में एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आप फर्टिलाइजर की तरह, खाद की तरह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं एक बार। इसमें गोबर का यूज़ होता है, इसलिए इसको गोबर ग्लास गैस प्लांट भी कहा जाता है या फिर बायोगैस भी इसको कहा जाता है। द प्लांट हैज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विद द ब्रिक्स। तो यहाँ पर डोम लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, डोम की तरह ये रहा गोल एकदम। ये देखिए डोम लाइक स्ट्रक्चर मिल गया आपको। देन स्लरी ऑफ काउडंग एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेयर इट इज़ फेड इन टू द डाइजेस्टर। यहाँ पर स्लरी यानी कि मिक्सचर होता है गोबर का और पानी का, थोड़ा लाइट हो जाए पानी के द्वारा ताकि वो आसानी से अंदर जा सके, तो यहाँ से वो अंदर भेजा जाता है डाइजेस्टर के अंदर। द डाइजेस्टर इज अ सील्ड चैम्बर इन विच देर इज नो ऑक्सीजन। ये एक डाइजेस्टर जो एक सील्ड चैम्बर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ द काउडंग स्लरी। अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है इसलिए इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस स्लरी के अंदर से, इस गोबर और पानी के घोल से घोल को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मटेरियल के अंदर। इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस टू बी कंप्लीट एंड जनरेट गैसेज लाइक मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें कुछ दिन लगते हैं, यानी कि एक दो दिन में नहीं होता है, कुछ दिन अराउंड 15-20 दिन, महीना ले लीजिए, जिसमें महीने के बाद बाद अराउंड इसमें गैस पैदा होने लगती है। गैसेज कौन सी होती हैं इसके अंदर? मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द टैंक अबव द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप। अब डाइजेस्ट के ऊपर आप जो खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये गैस इकट्ठी हो जाती है और इस गैस को इकट्ठी होने के बाद यहाँ पर पाइप के द्वारा किचन में यूज़ किया जा सकता है। बायोगैस इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल एज इट कंटेन 75% ऑफ मिथेन। ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है, क्यों अच्छा है उसका रीज़न भी देख लीजिए, इसमें 75% मिथेन होती है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, इसके अंदर स्मोक नहीं होता है, जलने के बाद रेजिड्यू पैदा नहीं करती है, जैसे कि वुड के अंदर ऐश पैदा होती है, यानी कि लकड़ी के अंदर, लकड़ी जलाने के बाद राख बचती है ना, वो चीज़ें यहाँ पर पैदा नहीं होती हैं। तो ये मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ, पहला स्मोक पैदा नहीं होती है, इसमें रेजिड्यू नहीं बचता है, हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई। तो ये तीन पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस इज ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग, इसका उपयोग आप लाइट जलाने के लिए भी कर सकते हो। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव्ड पीरियडिकली एंड यूज्ड इन एक्सेलेंट मेन्यूर। अब ये जो स्लरी जो बचती है पीछे यानी गैस के यूज़ होने के बाद, इसका यूज़ कर सकते हो आप मेन्यूर के रूप में, खाद के रूप में, जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फरस का बहुत ही रिच सोर्स रहता है। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटीरियल प्रोड्यूस प्रोवाइड्स अ सेफ एंड एफिशेंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिसाइड सप्लाइंग एनर्जी एंड मैन्योर। अब यहाँ पर आप देखिए बायो वेस्ट यानी कि गोबर वगैरह हो गया, घर का जो कचरा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा सीवेज मटेरियल जो है यानी कि गंदगी जितनी भी है वो सेफली आप यहाँ पर अंदर डाल सकते हैं और एक एफिशिएंट मेथड है जिसमें आपको रिटर्न भी मिलता है, वेस्ट डिस्पोज करने की जगह मिल जाती है, यानी कि गंदगी साफ हो जाती है और इससे आपको एनर्जी भी मिलती है और मैन्योर भी मिलता है। डू यू थिंक दैट बायोमास इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या ये रिन्यूएबल है? ऑब्वियसली ये रिन्यूएबल है क्योंकि इसको आप दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि गोबर जो है वो कंटिन्यूसली आप दोबारा दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर टुडे। आज हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट इसको आधा खत्म कर दिया है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका आधा पार्ट जो है उसको खत्म करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।